What does the grass say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 29 अप्रैल 2020 वेनसडे है, सुबह के 8:19 हो रहे। तीसरा ट्रेडिंग सेशन है आज का, और ये जो कोरोना वायरस का टेंशन चल रहा है पूरी दुनिया भर में, तो हो सकता है काफी सारी कंट्रीज जो है वो अभी आने वाले कुछ दिनों में लॉकडाउन की जो स्थिति है उसमें थोड़ा सा रिलीफ आ सकता है। तो हो सकता है कि दुनिया भर में थोड़े से कामकाज, थोड़ा सा बिजनेस शुरू हो जाए। और एक पॉजिटिव न्यूज है कि एक सीरम नाम के इंस्टीट्यूट है, सीरम वो ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी के साथ इसने कोलैब किया हुआ है, और ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी ने अभी ह्यूमन ट्रायल्स लेना शुरू किया है। तो इन दोनों का कोलैब है, अगर ये जो ट्रायल चल रहा है ये अगर सक्सेसफुल होता है तो इनका जो सीईओ है, ये इंस्टीट्यूट का जो सीईओ है, उन्होंने कहा है कि सितंबर अक्टूबर तक ये जो वैक्सीन है वो लोगों के लिए हम ला सकते हैं बाजार में। तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्शन है ये मई से चालू करने वाले हैं, रिस्की है। रिजल्ट जो है ये जो ट्रायल्स चल रहे हैं इसका रिजल्ट जो है वो सितंबर में आने वाला है, लेकिन ये उससे पहले ही मई के एंड में इसका प्रोडक्शन शुरू करने वाले हैं। तो अगर ये ट्रायल फेल होता है तो ये सितंबर अक्टूबर का भी जो पीरियड बता रहे वो आगे और बढ़ सकता है। तो ये वैक्सीन कब आएगा ये अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन इन्होंने एक रिस्क लिया हुआ है, ट्रायल सक्सेसफुल हो या ना हो ये पहले ही ये प्रोडक्शन करने वाले हैं, मई से इसका प्रोडक्शन शुरू होगा। और जैसे इसका रिजल्ट आता है, अगर पॉजिटिव आता है, सक्सेसफुल होता है, तो ये सितंबर अक्टूबर में बाजार में अवेलेबल होगा वैक्सीन, ऐसा इनका कहना है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन सक्सेसफुल होगा या नहीं ये कहा नहीं जा सकता। तो इसके मद्देनजर हो सकता है मार्केट में एक पॉजिटिव न्यूज भी देखने को मिले। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, लेकिन उससे पहले ग्लोबल मार्केट्स के हालात देखेंगे और कल का एनालिसिस का एक रिव्यू भी करेंगे। ये कल का पिक्चर है, यानी 20 अप्रैल आफ्टर मार्केट आज से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो यहाँ ऊपर आए बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 9354 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 9248। तो जैसे कि आप देख रहे हैं फिर से एक बार निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ था फर्स्ट टारगेट के ऊपर, और यहाँ से ये पहले ये 10 मिनट का चार्ट है, एक घंटे में ये फिर से टूवर्ड जहाँ पर इसने बॉटम बनाया था मंडे को, तो यहाँ तक ये आ गया और फिर से रिकवर हुआ। तो पूरा दिन इसने लिया, पहले एक घंटे में जितना फॉल दिखाया था वो रिकवर होने के लिए पूरा इसने दिन लिया कर, और जैसे फिर से एक बार टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ ये मूव हुआ तो ब्रेकआउट लेवल ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट 9386 ये अचीव हुआ और एग्जैक्ट इसी लेवल के पास ऑलमोस्ट ये क्लोज हुआ। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 18 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 13,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। काफ़ी वोलेटाइल मार्केट है, ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है। जितना ये रिकवर कर रहा है फिर से एक बार करेक्शन निकाल रहा है, फिर से रिकवर फेज में ये जा रहा है। तो चार्ट पर क्या अभी सिचुएशन है देखते हैं, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स के हालात भी देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार नासडैक 122 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स देखे तो हालांकि वहां पर पॉजिटिवनेस दिखाई दिया, हरी निशान में बंद हुए मार्केट्स कल। एशियाई बाजार आज ओपन हो चुके, तो एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव 42 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। जापानीज इंडेक्स आज वहां पर छुट्टी है जापान में, तो वहां का मार्केट्स बंद है। और चाइना मार्केट में देखें तो यहाँ पर भी पॉजिटिवनेस देखने को मिल रहा है। डाउ फ्यूचर देखें तो 200 पॉइंट की इस समय बढ़त बना चुका है। तो अभी फिलहाल एशियाई बाजार देखें तो पॉजिटिव नोट के साथ कारोबार कर रहे हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। ये वीकली चार्ट में जैसे कि हमने यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया हुआ है, अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो इन लेवल्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपना लॉन्ग या फिर शॉर्ट पोजीशन ओवरनाइट कैरी कर सकते हैं। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, जैसे पॉजिटिव खबरें आ रही है कि वैक्सीन के ऊपर ट्रायल्स शुरू हो चुके हैं और लॉकडाउन का जो पीरियड है वो कई सारे देशों में अभी थोड़ा सा रिलीफ हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि जो खतरा है वो अभी भी मंडरा रहा है, लेकिन
अगर बिजनेस भी अगर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर इकोनॉमी में फिर से एक बार थोड़ी सी बढ़त यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। मूडीज ने जो मूडीज जो रेटिंग एजेंसी है इसने इंडिया का फोरकास्ट ग्रोथ फोरकास्ट घटा दिया है 0.5% से। तो ये एक निगेटिव आज के लिए न्यूज होगी। हालांकि 9,390 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है इस लेवल के ऊपर तो ही इंट्रा निफ्टी इंडेक्स हमें 10,000 के लेवल तक यहाँ से बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। वीकली चार्ट में इन लेवल्स के अकॉर्डिंग हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं। डेली चार्ट पर चलते हैं। डेली चार्ट पर देखें तो अभी ये 20 EMA और 50 EMA के बीच में यह ट्रैप हो चुका है। हमने पास्ट में कई बार देखा है कि जब भी ऐसा पैटर्न यहाँ पर दिखाई देता है कि मूविंग एवरेजेस के बीच में यह ट्रैप हो चुका है तो काफी वोलेटाइल मार्केट हमें देखने को मिलता है। ये देखिए यहाँ पर ये भी मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रैप हो चुका है। यहाँ पर भी देखिए ऊपर नीचे काफी देर यहाँ पर हमें वोलेटाइल फेज एक बार निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिलता है जब भी ये मूविंग एवरेजेस के बीच में ये फंस जाता है। तो अभी कल का अगर आप कैंडल स्टिक देखें तो यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई 2G जैसा पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हुआ है। ये जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं ये पैटर्न अगर डाउन ट्रेंड में आता है तो एक सिग्नल होता है। ये कंफर्मेशन नहीं होता सिर्फ सिग्नल होता है। प्रोबेबिलिटीज होती है कि यहाँ से अपसाइड मूव दिखाई दे। लेकिन ये अभी जो यहाँ से रिकवरी फेज है इसके ऊपर ही हमें ये ड्रैगन फ्लाई 2G यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया है। ड्रैगन फ्लाई 2G आता है इसका मतलब है कि ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस है। यानी अगर ये बॉटम में आता है तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी होती है कि एक अपसाइड मूव देखने को मिले। हालांकि अभी ये अपसाइड में ही आ चुका है और रेजिस्टेंस लेवल के पास आ चुका है तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल भी हो सकता है। ठीक है तो ये जो 20 EMA है ये पिंक लाइन ये ऑलमोस्ट अभी 9,130 के पास है तो ये फर्स्ट सपोर्ट का काम कर सकता है। हमने देखा अभी 4-5 दिनों पहले यहाँ पर इसी लेवल के आसपास इसने सपोर्ट टेस्ट किया फिर ऊपर की तरफ मूव हुआ है। तो ये रेजिस्टेंस का लेवल 9,390 ये इसके ऊपर क्लोज नहीं दे पा रहा है सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो अभी काफी एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हमें देखने को मिल रहा है। कल भी हमने देखा इंट्राडे चार्ट में कैसे फर्स्ट आर में एक फॉल आया उसके बाद जो फॉल आया था वो पूरा दिन एक रिकवर हुआ एक स्लो ट्रेंड में ये रिकवर हुआ। तो काफी वोलेटाइल मार्केट है। इन लेवल्स के अकॉर्डिंग आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल हमें यहाँ पर दिखाई देगा। इंट्राडे चार्ट्स में आज क्या होगी इंट्राडे लेवल्स वो देखते हैं। कल का ये जो हाई बनाया है ऑलमोस्ट 9,404 के पास इसको अगर ब्रेक करता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा पिवट पॉइंट का R1 का लेवल जो कि 9,436 है और सेकेंड टारगेट होगा 9,459 ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर ये टूवर्ड्स साउथ की तरफ अगर ये मूव करता है तो हमारा कल जो ब्रेकडाउन ब्रेकआउट लेवल बन रहा था यानी ऑलमोस्ट 9,348 के आसपास ये हमारा आज ब्रेकडाउन लेवल होगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लेवल के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया था ये एक ये दो ये तीसरी बार। तो ये लेवल आज के लिए ब्रेकडाउन लेवल हमारा हो सकता है जो कि पिवट पॉइंट का लेवल है 9,348। इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा एक छोटा टारगेट होगा 9,322 ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा पिवट पॉइंट का S1 का लेवल 9,292 ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन शेयर करें कमेंट करें आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब एक ऑथराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का जैसे कि जीरोधा है अपस्टॉक्स है फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।